Assalamu alaikum. I hope so you all are doing well. I am Muskan Brohi, a first year MBBS student. तो और आज हमारे यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम डे वन का व्लॉग बनाते हैं. तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा. सो दिस इज़ वॉट आई एम वियरिंग टूडे, और प्लस में थोड़ा मेकअप शेकअप तो ऑब्वियसली बनता है, लड़की हो और मेकअप ना करे, और थोड़ा सा परफ्यूम. ओके, तो ये हो गई मैं रेडी, और अब हम जा रहे हैं हमारी मेस की तरफ, जहाँ पर हम जाएंगे और चाय चाय पियेंगे. हमारे हॉस्टल की मेस पर इतना अच्छा, तो वैसे कहते हैं खाना नहीं मिलता, तो इस वजह से हम हॉस्टल नंबर 3 के मेस पर जाकर हम नाश्ता या फिर चाय चाय पीते हैं, या फिर अगर स्नैक्स भी हो तो हम वहीं से लेते हैं. और ये आ गई जी हमारी चाय. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ जिस मेस पर मैं गई थी वहाँ की कैंटीन बंद थी, और मुझे चाय ऐसी पीनी पड़ी. खैर ये होता रहता है. ये है जी हमारा हॉस्टल, और इस वक्त मैं जा रही हूँ अपनी क्लास अटेंड करने, और फ्लावर्स बहुत ही प्यारे हैं. मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ मुझे मतलब बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि मुझे फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है. और जब मेरे सामने फ्लावर्स होते हैं, मैं जब तक उनके साथ कोई पिक्चर ना निकालूँ मुझे आराम नहीं आता मतलब. और ये आ गया जी हमारा ऑडिटोरियम हॉल, जहाँ पर हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, और हमारा फर्स्ट डे जो हमारे हुआ था डे वन सेलिब्रेशन, वो भी यहीं पर हुआ था. और ये हमारी यूनिवर्सिटी. ये तो भाई आज हम क्लास थोड़ी जल्दी गए थे, हमारी क्लास वैसे 8:30 पर स्टार्ट होने वाली थी और हम 8 बजे तक वहीं गए थे. तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पिक्स निकालें. और ये हूँ जी लेक्चर हॉल में, और हमारा पहला जो हुआ था पीरियड वो एनाटॉमी का था, और बहुत अच्छा गुजरा था वो दिन. इतनी ज़्यादा पढ़ाई तो कहते ना फर्स्ट डे पर नहीं होती, बस सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ था दादा, मींस कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, और एनाटॉमी के अंदर क्या पढ़ते हैं. और ये मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल, क्योंकि इतना तो पढ़ाई वाला दिन नहीं था, और हम तकरीबन 12 बजे फारिग हो चुके थे. तो हमने सोचा कि वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्यों ना हम हॉस्टल चले जाए. अच्छा, तो मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ. मेडिकल कॉलेजेस में अक्सर आपने सुना होगा कि रैगिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसकी सच्चाई मैं आपको बता दूँ कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा रैगिंग होती है. हमारी अपनी भी हुई थी, जो मोस्ट सीनियर हमारी जो बैच थी 5th ईयर वाली, वो अभी तक हमारे हॉस्टल में है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. और लेकिन उन्होंने हमारी कैंपस में अच्छी खासी उन्होंने हमारी रैगिंग ली थी बाय द वे. मज़ा भी बहुत आया था, क्योंकि रैगिंग को अगर हम नेगेटिव वे में देखें तो फिर वो गलत चीज़ है. अगर रैगिंग में कोई आपको फिज़िकली टॉर्चर कराए तो फिर उस चीज़ को आप बर्दाश्त ना करें, लेकिन अगर रैगिंग में आप कोई फ़नी चीज़ है तो फिर आप वो मज़े में ही लें. और सीनियर्स को भी चाहिए कि वो अपने जूनियर्स को अच्छे अच्छे टास्क दें, ताकि वो उस टास्क को कर भी सकें. और आज मैंने लंच में बिरयानी खाई थी, बहुत टेस्टी थी सच में. लंच करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा आज हॉस्टल को एक्सप्लोर करते हैं. हम गार्डन में गए थे और वहाँ के फ्लावर्स को देखा, बहुत ही प्यारे थे. और ये हम वापसी जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ. यार यहाँ पर बिल्लियाँ ना बहुत ज़्यादा है, जब और खाना खाने के वक्त तो ये आकर हमारे साथ ही बिल्कुल बैठ जाती हैं. और भाई थोड़ी तो पढ़ाई बनती थी पहले दिन, ऑब्वियसली इतनी खासी मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन थोड़ा एक्सप्लोर किया, बुक को देखा, डायग्राम्स वगैरह बहुत अच्छी थी. ये बुक्स मैंने इशू करवाई थी यहाँ की बुक बैंक से. और ये हो गया मेरा आज का दिन ख़त्म. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को आपने ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और कमेंट भी ज़रूर करना है मेरी वीडियोज़ पर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.